गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था चेस्ट वर्कआउट का, उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। इस वीडियो पे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करेंगे हमारे वीडियो को। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं बैक का वर्कआउट जो कि बिगनर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज हमारे साथ फिर से विशाल भाई जुड़ चुके हैं। तो विशाल भाई आज बैक वर्कआउट में हमारा हेल्प करेंगे कि कैसे बैक का वर्कआउट हम लोग करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो बैक का होगा वो लैट पुल डाउन होगा, कुछ इस प्रकार से आपको करना है। जो ये ग्रिप होता है ना, ये ग्रिप सारे लोग मैक्सिमम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा गलती वहीं पे हो जाता है कि ये जो ग्रिप होता है यहाँ पे नहीं पकड़ना होता है। शोल्डर से हल्का बाहर पकड़ेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। ज़्यादा बाहर कर देंगे, एक बार ज़्यादा बाहर पकड़िए, तो एक बार ज़्यादा बाहर देखिए, ज़्यादा बाहर पकड़ के एक बार इसको लिफ्ट करिए, तो एक बार बाहर पकड़ के देखिए, ज़्यादा नीचे करिए। बाहर ज़्यादा करने पे ज़्यादा बैक पे नहीं असर आ पाता है आपका, लैट्स नहीं शोल्डर पे ज़्यादा पेन जाने लगता है। वही अगर बात करूँ थोड़ा अंदर पकड़ के आप अगर लैट पुल डाउन करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा टेंशन बैक पे आएगा, अब शोल्डर पे जाने का कोई चांस ही नहीं है, पूरा टेंशन आपका बैक पे आएगा। बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। वन एक्सरसाइज तो हो गया, इसका आपको सेट करना है 3 से 4 और नंबर ऑफ रिपीटेशन आप 15 से 12 कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज इसी मशीन पे करना है, इस टाइप का मशीन आपको ले लेना है और इसमें क्लोज ग्रिप में करके फिर नीचे की तरफ लाना है। आइए कुछ इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ लाना है। ध्यान रखने वाली इसमें ये बात है कि चेस्ट जो होता है चेस्ट के पास आएगा, चेस्ट हमेशा लिफ्ट करके ऊपर करके रखेंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर आराम से नीचे लाएंगे और आराम से ऊपर लेके जाएंगे। इसमें कोई जल्दी लाने वाली जल्दी ले जाने वाली बात नहीं है, आराम से नीचे आराम से ऊपर, ताकि बैक ज़्यादा मसल हमारा टेंड हो पाए। इसीलिए टी बार रो में क्लोज ग्रिप करके नीचे की तरफ आराम आराम से लाएंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका आप सेट करें 3 से 4, नंबर ऑफ रिपीटेशन वही 15 से 12। बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो कि इसी मशीन पे होगा। इसी मशीन पे यहाँ पे जो केबल लगाने वाला होता है उसी को निकाल के यहाँ पे हम सेट कर लेंगे और फिर एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। मैं बताता हूँ कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले सेट कर लें और इसको आप नीचे कर सकते हैं, नीचे कर देंगे तो ये लड़ेगा नहीं इसमें। यहाँ पे पैर रखे, पैर से सपोर्ट लेके पीछे की तरफ आ जाएं। पीछे की तरफ आने के बाद ये जो होता है ना ये टी बार रो, इसको खींच के लाना है आपको यहाँ पे नाभि के पास लेके आना है। नाभि के पास लाएंगे तो ज़्यादा बैक पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कई लोग होते हैं इसको चेस्ट के पास पेट के पास लाते हैं, नहीं आपको लाना है नाभि के पास, नाभि के नीचे रखिए, एकदम बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप करिए 10 से 12 रिपीटेशन, 3 से 4 सेट आपको करने के लिए मैं बोलूँगा। बढ़ते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। आपको आ जाना है स्मिथ मशीन पे। फोर्थ नंबर एक्सरसाइज जो है स्मिथ मशीन के पास आके कुछ इस प्रकार का एक हैंडल सिंगल हैंडल लगा लेना है और नीचे बैठ जाना है। आराम से बैठ जाइए, कुछ इस प्रकार से घुटने पे बैठना है और पैर का पोजीशन देख लीजिए कैसे करके रखना है। और ये जो कमर होता है हमेशा आपको ऐसे बैंड रखना है, बैंड रखने से आपका पूरा बैक पे स्ट्रेच होके आएगा। और जब आगे आएगा थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ पे जब ये नीचे जाएगा तो नीचे जाके ये चेस्ट के पास जाके रुकेगा। इधर से दिखाइए, चेस्ट के पास जाके ये नीचे जाएगा, देख सकते हैं आप, चेस्ट लिफ्ट रहेगा हमेशा, चेस्ट के पास जाएगा, चेस्ट अप होगा, ऊपर जाते समय आप स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ ताकि आपका बैक ज़्यादा इंगेज हो पाए। देख सकते हैं कैसे वर्कआउट किया जा रहा है, सेम आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है। नंबर ऑफ रेपिटेशन की बात करूँ तो 10 से 12 आप इसमें भी परफॉर्म करें, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 15 से 20 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेट की बात करूँ तो 3 से 4 या 5 सेट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और शेयर करिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।